खबर कोटा से है, जहां शहर की कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाली मध्य प्रदेश निवासी एक छात्रा का दो दिन बाद भी कोई पता नहीं लग पाया। साथ ही जयपुर के दुर्गापुर इलाके में दो युवकों के साथ घूमते हुए इस छात्रा का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक अमृता दोहन ने छात्रा का सुराग देने वाले को 20,000 का इनाम तक घोषित किया है। इसके तहत ही पुलिस अधीक्षक अमृता दोहन ने बताया कि पुलिस की टीमें कई स्थानों पर रवाना की गई है और कोटा में छात्रों के रहने और कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करने का अभी कंफर्म नहीं हो रहा है और पुलिस इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। देखिए, हमें कल शाम को शिवपुरी के पुलिस विभाग से मुझे सूचना मिली थी और उन्होंने बताया कि वहां पर जो रघुवीर धाकड़ जी है शिवपुरी के रेजिडेंट, उनके पास उनकी जो बेटी है वो इधर कोटा में कोचिंग कर रही है और उनके पास कुछ फोटोग्राफ्स और धमकी भरे वाले मैसेज आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि आपकी बेटी को हमने अगवा कर लिया है, आप हमारे खाते में ये जो खाता नंबर दिया और उस खाते में आप 30,00,000 रुपये तुरंत जमा कराएं। इस बात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत टीम्स गठित की गई, टीम्स रवाना की गई और फील्ड में आज सूचना संकलन के लिए भेजी गई। तकनीकी हमारी साइबर टीम को तकनीकी जो साक्ष्य उनके लिए